हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आज है वेंसडे, दोपहर के बजने वाले हैं 2 ऑलमोस्ट, और अभी हम जा रहे हैं एरिका का आज वैक्सीनेशन है, ठीक है। 18 मंथ्स के आसपास उसका 2-3 वैक्सीनेशन जो है पेंडिंग थे। एक तो थोड़ा सा हमारा मेरे ख्याल से ऑलरेडी ड्यू हो चुका था फैब में, वो शायद हम मिस कर गए थे गलती से, तो वो है। प्लस अभी 18 मंथ्स पे 2 और वैक्सीनेशन थे, सो टोटल मेरे ख्याल से 3 लगने चाहिए, बट अभी आई एम नॉट श्योर। डॉक्टर 3 लगाएगा, 2 लगाएगा, वो देखते हैं। बट हाँ, इतना श्योर है कि आज एरिका को वैक्सीन लगने वाले हैं, और एरिका को कुछ भी आइडिया नहीं है कि भाई हम उसको वैक्सीन लगाने ले जा रहे हैं। सो अभी एकदम इसको लग रहा है हम पार्क वगैरह जा रहे हैं, तो एकदम शांति से बैठी है। बट हाँ, वापस आते हुए ऐसा कुछ सीन नहीं होने वाला है। एरिका वैक्सीन से उतना नहीं रोती है जितना कि वो जो नर्सेज होती है उनको देख के चिल्लाती है, या फिर इसका जो बॉडी वेट मेजर करते हैं या फिर इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उस समय तो बहुत ही चिल्लाती है। मतलब बिल्कुल भी, मतलब वो टिकती नहीं है और टेम्परेचर बिल्कुल नहीं चेक करने देती है। तो वहाँ पे ज़्यादा पंगे होते हैं वैक्सीन का, तो फटाफट मतलब स्प्लिट सेकेंड्स में हो जाता है, थोड़ा रोती है फिर बाद में शांत हो जाती है। और मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है, गर्मी तो है लेकिन साथ में बादल भी है, तो थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी सी राहत है। अदरवाइज धूप में तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। सो चलो जी, अभी इंजेक्शन ही लगा है मैडम, बस इनिशियल चेकअप पे इतना रो रही है। नहीं बेटा, नहीं नहीं, इट्स ओके। चलो, तो एरिका मैडम को वैक्सीनेशन हो चुका है, एरिका मैडम को हम बाहर ले जा रहे हैं। करीब हमें 1.5 घंटा लग गया सारे ताम झाम में, और एरिका को 3-3 इंजेक्शन लगे हैं, और एरिका को गिफ्ट भी मिला है। चलो एरिका, और यहाँ सामने लाइट सा रेनबो दिख रहा है, बादल करके पूरा नहीं दिख रहा है, बट ये यहाँ तक गया हुआ रेनबो, तो पहले से क्लियर हो गया। आपको कैसे पता लगा रेनबो है वो, आपने कैसे देखा? हाँ जी, थोड़ी बहुत मुझे भी नॉलेज है। और एरिका मैडम को अभी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। एरिका, एरिका लुक, एरिका रेनबो लुक। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, और अभी हम लोग जा रहे हैं पिज्जा पिक करने। सो आज अनु को हमने रेस्ट दिया है कुकिंग से, और ऐसे ही हम लोग सो के उठे हैं, जस्ट जैसे तैसे फटाफट पिक करने जा रहे हैं। सो थोड़े हम लोग क्या लग रहे होंगे, जाना तो आपने ही था, बट एरिका एक्साइटेड हो गई देखकर, और मैं आपने ओनो कर दिया उसके, कोई ना आपने पूरा उसके मुंह के अंदर घुसेड़ दिया, पता आपको। ओह सॉरी एरिका। सवाल भाई, जंक फूड डे है, चलो घर के पास ही है पिज्जा डोमिनोज का, सो
पाँच मिनट लगेगा हार्डली जाने में, हालांकि पिज्ज़ा ऑलरेडी बन चुका है। अनु बोल ली कि भाई पिज्ज़ा ठंडा होगा तो मेरे से ही वापस से गर्म करवाएगी। सो अभी मैडम की धमकी मिली है, दे दो इधर भाई। आज मैडम का अवकाश है, अवकाश मतलब छुट्टी है मैडम की आज किचन से। सो अभी हम लोग जा रहे हैं इसी चक्कर में डोमिनो से पिज्ज़ा पिक करने। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक इंडियन बंदा है, मस्त सुट्टा मारता है बाहर निकल के, तो हमेशा हम यहाँ से जाते हुए उसको देखते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी लगता है एक घंटे में एक बार तो सुट्टा मारता है योगा बंदा। सो हमेशा आते जाते हमें दिखता है, नेक्स्ट टाइम उसको हाय बोलेंगे। ठीक है, सो के उठ के आ गए सब लोग, सो अजीब से लग रहे होंगे, सो माइंड मत करना आप लोग। और एरिका मैडम जी भी हैं, इनको भी थोड़ा बाहर जाना था, इनको भी ले आए जी। बहुत गर्मी है, 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सो इंडिया की याद आ रही है, जो गर्म हवा चल रही है वैसी हवा चल रही है। बट काफ़ी ब्राइट डे है, तो गाइस गर्मा गर्म हमने चिकन और पाइनएप्पल पिज़्ज़ा उठा लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है, और एरिका मैडम अभी से जो है काफ़ी एक्साइटेड है पिज़्ज़ा को लेकर, बोली कि भाई जल्दी से पिज़्ज़ा खिला दो उसको। जी पिज़्ज़ा लेकर आ गए और एरिका खुश है जी, चलो एरिका पिज़्ज़ा खाएंगे, आज पिज़्ज़ा पार्टी होगी। वाओ वाओ एरिका वाओ, चलो माँ ऑलरेडी ऊपर चली गई है। अरिका लो गम है, लो धीरे धीरे खाना, ठीक है। अगर आए तो देख लेना। राहुल जैसे क्यों फेस बनाते? वाओ ब्यूटीफुल। हाँ बच्चे नीचे खेल रहे ना, उनको देख रही है वहां से बैठ के। पता नहीं अमेरिका में भागो सी लग रही है ना अमेरिका। मम्मी अगर ना साफ करे तो बच्चा ऐसे ही दिखेगा, है ना अमेरिका। तो हम लोग छत पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। छत पर छत नहीं हमारा, ये छत पे ही आपका क्या ये क्या ये बताओ, मुझे कैप्चर मत करो। तो हम लोग छत नहीं बालकनी में बैठे हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं ना, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा का आनंद उठा रहे हैं, ठंडी हवा नहीं चल रही है। और मेरी बेटी जो इसकी शक्ल देखो, अभी दाल खा के आई है, मस्त इसने हार्ट वेरी हार्ट। माँ ने साफ नहीं किया तो बच्चे का यही हाल होता है, देखो शक्ल देखो। ठीक है जी, तो चाय पीते हैं, मस्त मजे करते हैं।